हमारे सेपरेटिस्ट नहीं बनाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट नहीं बनाए, वो पाकिस्तान की बात कर, वो भी आज आज इनके साथ शामिल हुए हैं जो कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे और कहते थे यहाँ पे हम लोग आएंगे वो लेबिसिट करेंगे, आज वो इनके साथ बैठे हुए हैं। उनसे पूछिए कहाँ गए वो, उनके नारे कहाँ गए वो, हम यहाँ बनाएंगे निजाम मुस्तफा बनाएंगे, कहाँ है वो, कहाँ है? उनके साथ बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, आरएसएस के गुलाम बैठे हुए हैं। तो अभी जो जमात जमात का जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जो इलेक्शन हुए उसके बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छी बात है, इसके बजाय कि वो इधर उधर जाए और लोगों को पता नहीं लगे कहाँ खड़े हैं, वो भी सामने आ जाएगा ये कहाँ है। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आ गए तो यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा सब कुछ, इंक्लूडिंग टेररिज्म। मैं प्रधानमंत्री से ये कहता हूँ, 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना ये, है ना, जब से इन्होंने 370 हटाया, ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का, आज तो 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से, ये बंदूक कहाँ से आ रही है जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है, ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला आज तो हमारी हुकूमत नहीं है, इसका जवाब देना। वो हम पे जो आरोप लगाते हैं मैं उनसे कहता हूँ, एक उंगली जब आप हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी निशाना करती हैं, कि आपने क्या किया, सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, रोज झूठ बोलते हो, सुबह शाम झूठ बोलते हो। जीते रशीद खुलेआम तनकीद कर रहे जब जब से वो बाहर आए। अरे जी मुझे पता, मुझे ये बताइए आज तक क्यों नहीं उसको छोड़ा, मेरा सवाल सिर्फ ये है आज क्यों छोड़ा, किसे कि मुसलमानों को तोड़ सके, मुसलमानों की आवाज खत्म कर सके, और ये उसका साथी है बीजेपी और आरएसएस का साथी है। इल्तिजा मुफ्ती ने क्लेम किया है कि अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई तो उनके बगैर नहीं होगी, दे आर द किंग मेकर, ये अल्लाह देखेगा।